काई कबीले के बहादुर फर्जंदों, रात को दिन और दिन को रात में बदलने वाला रब गवाह है कि ये कोई दास्तान नहीं, बल्कि आज जो सुनाऊंगा वो तुकान के पहाड़ों से अनातुल्य तक और अनातुल्य से सैकड़ों फातही और दुहात के अजीम सफर की एक नाकाबिले यकीन मगर सच्ची कहानी है। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की जिंदगी की कहानी है। वो सुलेमान शाह जो तवाज़ों में, इंकसार में, बहादुरी में और अल्लाह के इंसाफ पर हमेशा कायम रहने में बेमिसाल थे। अजदाद की रवायतों को जानने में और उनकी पासदारी में आज तक गुजरने वाले और आइंदा गुजरने वाले तमाम तुर्क सरदारों के सर के ताज थे। उस खान से लेकर आज तक जितने भी सुल्तान गुजरे, जितने भी फातेह गुजरे, उनमें हमारी तारीख के सबसे शानदार और कामयाब सरदार, जिन्हें आने वाले जमाने एक अजीम सरदार के तौर पर याद करेंगे, उन सुलेमान शाह की कहानी है ये। उन्होंने आजाद की अमानत की जान से बढ़कर हिफाजत की, कबीले को कभी भूख का अजाब नहीं छेलने दिया, अल्लाह के अहकाम हमेशा मुकद्दम रखे, न अपने रब को भूले कभी, न रिवायतों को जंग में न नफ्स को गालिब आने दिया, न अपने दुश्मन को न अपनी जान से अजीज लोगों की गद्दारी उन्हें राह से हटा सकी, न और कोई मुश्किल, न सालिम का जुल्म और न काफिर की ताकत उन्हें कभी मरूब कर सकी। आई कबीला अब उनके बेटों के हवाले है, उन सरदारों को अब तुम अल्लाह के हुक्म से कामयाब बनाना, ताकि न जालिम बाकी रहे और न जुल्म इस दुनिया में। जब उन्हें याद करना तो एक अजीम सरदार की तरह, एक बादशाह की तरह, क्योंकि यही उनके शाया निशान है। दुआ है कि अल्लाह जन्नत फिरदौस को उनकी दायमी करारगाह बनाए और उनके वसीले से फतह हमेशा तुम लोगों के कदम चूमे। मेरे बच्चों कभी न भूलना कि तुम सुलेमान शाह की नस्ल हो, उनकी मीरास हो, उनका सासा हो।